आटा है, सब्जी है, इसको उतार लो, बहुत वजनी है हमारा। नीलकंठ शास्त्री जी की पत्नी ने पकड़ करके उस टोकरी को जो उतारा, कम से कम 50 किलो वजन रहा होगा। उतार करके नीचे रखा तो उनकी पत्नी को दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा इतने बड़े बोझ को तुम उठा करके ले आए। तब तक उनकी दृष्टि गई, देखा तो उस बालक के मुंह पर कटे का निशान बना था, इसे ऐसे कटा हुआ था, खून निकल रहा था। नीलकंठ आचार्य की पत्नी ने पूछा, बेटा ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? तो उस बालक ने कहा, वो बालक कोई और नहीं थे, भगवान जगन्नाथ ही थे, ठाकुर जी ही थे। भगवान ने कहा, मैया पंडित जी ने मार दिया है, उनके पति का नाम लिया, बोले पंडित जी ने मारा है और इतना जोर से मारा कि मेरा मुंह कट गया, और उसके बाद मेरे ऊपर ये 50 किलो का बोझ लाद दिया और कहा पहुंचाओ। उस बालक की इस दशा को देख करके पंडितानी जी को बड़ा क्रोध आया, बोले पंडित जी इतने निर्दयी हो गए, ऐसे सुकुमार बालक को मार दिया, मुंह कट गया, बोझ उतार दिया, दवा लगाई, दुलार किया, कुछ खिलाया और कहा बेटा जाओ, पंडित जी ने अच्छा नहीं किया, आने दो मैं उनसे पूछूंगी। बालक को चला गया, चावल दाल घी आटा तेल सब देकर के ठाकुर जी चले गए, अंतर्धान हो गए। पंडित जी समुद्र स्नान करके जब आए तो पंडितानी ने उनको भोजन करने के लिए नहीं पूछा, पहले तो डांटना शुरू किया, बोले पंडित हो, ज्ञानी हो, इतने बड़े विद्वान हो, और इदाम में हम ऐसा सोच करके मैंने उस पंक्ति को काट दिया, उस लाइन को काट करके नई लाइन बनाई, तो जो काट करके कलम चलाई उसी कलम ने ठाकुर के गाल को काट दिया महाराज, कटे का निशान बन गया। क्यों? बोले गीता जी में और भगवान में, रामायण में, भागवत में, भगवान में कोई अंतर नहीं, ये सारे ग्रंथ भगवत स्वरूप है हमारा। शास्त्री जी को अनुभव हो गया, नीलकंठ जी को, ये तो भगवान जगदीश थे, अपने भक्त का योगक्षेम भी भगवान बहन करते। योगक्षेम का मतलब क्या है? ले योगक्षेम में दो शब्द है, योग और क्षेम। योग का मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त। आचार्य नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तू तो धन्य है, आज तेरा सौभाग्य प्रकट हुआ, तेरा भाग्योदय हो गया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? नीलकंठ जी ने कहा, वो बालक कोई और नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे, साक्षात द्वारिकाधीश थे, भगवान जगदीश थे, और तूने उनका दर्शन किया, तू तो धन्य हो गई, तू कृतकृत्य हो गई। इस प्रकार भगवान का अनुभव कर करके दोनों दिव्य दंपति आनंदित हुए। कहने का भाव कि गीता जी की, श्री गीता जी की एक पंक्ति में कलम चला दी नीलकंठ जी ने, तो भगवान के गाल पर कटे का निशान बन गया। ये कथा आज भी प्रसिद्ध है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष इस कथा को जानते हैं, ग्रंथों में लिखा है। इस कथा के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि ये जितने दिव्य ग्रंथ हैं ये सब भगवत रूप है, भगवत स्वरूप। यही भावना इन ग्रंथों के प्रति रखनी चाहिए। ऐसे दिव्य काव्य को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भगवत प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया, और ये रामायण काव्य उस समय की रचना है जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। श्री रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम, यहीं से रामायण जी प्रारंभ हुए। बाकी अन्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकर्ता के द्वारा मंगलाचरण लिखा जाता है,
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण कर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण और सभी ग्रंथों में जो आस्तिक हैं, नास्तिकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आस्तिक हैं ऐसे कोई भी आस्तिक पुरुष चाहे वो ग्रंथ भगवत विषय का निरूपण करता हो न करता हो फिर भी आस्तिक प्राणी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करता ही करता है। जैसे न्याय शास्त्र में न्याय दर्शन का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की, उसमें कहीं कथा नहीं है राम जी की न कृष्ण कथा है, वहां तत्व निरूपण है, लेकिन वहां भी प्रारंभ में मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया। श्री वरदराजाचार्य जी ने छोटी सी कौमुदी का निर्माण किया व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत बताने के लिए, तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया, प्रणाम किया अपने इष्ट देवता को। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, मंगलाचरण क्यों नहीं किया? आचार्य जन कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि कोई विघ्न न हो और मंगल हो, विघ्न का निराकरण हो जाए, कार्य की सिद्धि हो और मंगल हो। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि जिन भगवान का मैं चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं वे भगवान तो स्वयं मंगल के भी मंगल, उनका कोई मंगल क्या मंगल करेगा, ये तो मंगल को भी मंगल बनाने वाले हैं। मंगल करने तेरी मले भगवताचार्य रूप देवर्षि नारद, भगवत रूप भी है, भागवत रूप भी है और आचार्य रूप भी, और यही तीन रूप तो हमारे यहां श्री वैष्णव संप्रदाय में उपास्य हैं। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं वैष्णव को क्या करना चाहिए, बोले भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? केवल मंत्र दीक्षा ले लें और भुजाओं पर शंख चक्र अंकित करा लें, तिलक लगा लें, इतने से वैष्णव होने की इति कर्तव्यता पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं। बोले ये तो वैष्णव बनने के लिए वैष्णव की क्लास में एडमिशन का एक रूप था, प्रवेश था। जैसे किसी विद्यालय में
प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मार्कशीट लेकर के और जो कागज हैं वो सब लेकर के जाओ निश्चित समय पर, और एक निश्चित शुल्क देकर, प्रवेश शुल्क देकर आपको प्रवेश प्राप्त हो जाए। लेकिन अब प्रवेश प्राप्त करने का उद्देश्य ये है कि अब आप आगे पढ़ो, क्लास करो, सारे विषय को तैयार करो। उसी प्रकार दीक्षा लेकर, मंत्र लेकर, तिलक धारण करके तो वैष्णव की कक्षा में व्यक्ति का प्रवेश होता, एडमिशन हुआ। अभी पढ़ाई बाकी है, और पढ़ाई क्या पढ़ना है? बोले कथा, सत्संग, उपदेश, आचार्यों की सन्निधि में बैठकर सुनकर सीख करके हमें करना क्या है? बोले तीन काम करना है। बोले भगवत भागवताचार्य कहीं करिए, बस यही कर्तव्य है। भगवत माने भगवान, भागवत माने भगवान के भक्त, और आर्य गुरु जो उपदेश देने वाले, इनका कैंकर्य, इनकी तीनों की सेवा। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य, भगवान की, भगवान के भक्त की और आचार्य की, इन तीनों की सेवा करना। और उस सेवा का उद्देश्य क्या? आत्मकल्याण? बोले ना, अपना कल्याण नहीं, भगवान की सेवा, भागवत की सेवा और आचार्य की सेवा का एकमात्र उद्देश्य कि हमारी सेवा से, भगवान की सेवा से भगवान का मुखोल्लास हो, भागवत की सेवा से भागवतों का मुखोल्लास हो, और आचार्य की सेवा से आचार्य का मुखोल्लास हो। अर्थात हम भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य इसलिए करें कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए भगवान की सेवा, उस सेवा से हमारा कल्याण होगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हम पाप मुक्त होकर के शुद्ध विशुद्ध हो जाएंगे। ये सब भावना एकदम त्याग देनी है, सोचना ही नहीं। भगवान के भक्तों की सेवा क्यों करें? बोले इससे हमारा कोई कल्याण होगा, हमारा व्यापार कारोबार बढ़ जाएगा, बेटा बेटी सब सुखी हो जाएंगे, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। बोले कभी मत सोचना, संतों की सेवा, भागवतों की सेवा का एकमात्र उद्देश्य कि इस सेवा से संत प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता ही उद्देश्य। और आचार्य कैंकर्य का भी यही फल हमारे यहां माना गया कि हम आचार्य की, गुरु की सेवा करें, उसका उद्देश्य आत्मकल्याण नहीं है, हमारी सेवा से आचार्य प्रसन्न हो जाएं, यही हमारा उद्देश्य। तो भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लास, भगवत भागवत आचार्य का मुखोल्लास हमारे कैंकर्य के द्वारा हो, हम उनका कैंकर्य करें, यही वैष्णव धर्म है, यही सब ग्रंथों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होकर, भगवत भागवताचार्य कैंकर्य करते हुए, भगवत भागवताचार्य मुखोल्लास हमारे द्वारा हो, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता। तो देवर्षि नारद कौन है? बोले इनके अंदर ये तीनों तत्व है, ये भगवत भी हैं, भागवत भी हैं और आचार्य भी हैं। भगवान इसलिए हैं कि इन्हें अवतार भूत कहा गया। भागवत क्यों हैं? बोले भागवत इसलिए हैं कि भगवान के गुण का गान करते हैं, गायन नारायण कथाम, नारायण कथा का गान करते हुए देवर्षि नारद विचरण करते रहते। और नारद जी के अंदर आचार्य की सिद्धि क्यों है? बोले आचार्य उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति करा दे, जिसके संबंध से भगवान प्राप्त हो उसे आचार्य कहते हैं। भगवत प्राप्ति का जो यही आचार्यत्व है, और वह देवर्षि नारद में है। नारद जी क्या करते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं कि नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन है, ये देव दर्शन है। नारद जी जिसको मिल जाए उसको भगवान जरूर मिलते हैं। हाँ, आप 18 पुराण पढ़ लो, रामायण गीता भागवत पढ़ो, जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। तो जिसको आचार्य मिलेंगे उसी को ना भगवान मिलेंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्या देव विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापतो, श्रुति कहती है। तो आचार्य प्राप्ति का यही फल है भगवत प्राप्ति।
आचार्य के संबंध से भगवत तत्व की प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव। तो बंधुओं, देवर्षि नारद कौन है? बोले देव दर्शन है। ये जिसको दर्शन देते हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर हो जाता है। देव कौन? बोले भगवान। देव दर्शन, ये देवता का दर्शन, भगवान का दर्शन करा देने वाले। तो ऐसे देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए, ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद पूछा, जिज्ञासा कि हे मुनिवर, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं और सर्वत्र आपकी गति है, आप ज्ञानी हैं, आपसे मैं कोई साधारण प्रश्न पूछने नहीं जा रहा। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं पूछा कि ब्रह्मलोक कहां है, नरक स्वर्ग कहां है और कोई भौतिक ज्ञान के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से नहीं पूछा। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही कहा कि हे मुनिवर, मैं जानना चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढप्रतः। इस समय संपूर्ण लोकों में गुणवान पुरुष कौन है? पहला प्रश्न है, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ये गुणवान सबसे पहले कहा, बाकी गुण बाद में कहे, सीधे गुणवान कहा। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, जो गुणवान पुरुष हो और सर्वसमर्थ हो। बोले सर्वसमर्थ तो भगवान होते हैं और भगवान जो सर्वसमर्थ हैं वो गुणवान हैं, वो निर्गुण नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण की पहली पंक्ति ही सिद्ध करती है। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, पर भगवान निर्गुण निराकार हैं, भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार हैं। पहली बात तो भगवान ही नहीं कहते, वो तो कहते ब्रह्म है। क्यों? बोले भगवान कहेंगे तो ऐसे ही भगवान सगुण होते हैं, भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। भगवान शब्द का अर्थ ही है सगुण, जिसके अंदर 60 गुण्य संपन्नता हो वो भगवान। भग इत्येष धातु, वही ओ भग धातु जो है, वो भग शब्द जो है ये षडैश्वर्य वाचक है, ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान। इतने गुण जिसमें हो भगवान, तो भगवान का मतलब ही गुणवान, भगवान का मतलब गुणवान। इसीलिए नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। बोले भगवान की जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि गुणवान का मतलब भगवान और भगवान का मतलब गुणवान। और ये भगवत जिज्ञासा की, तो भगवान कहोगे तो भगवान कहने से ही गुणवान अर्थ प्रकट हो जाएगा, और जो कहे कि भगवान निर्गुण है तो उसकी बुद्धि मारी गई है, उसकी बुद्धि तेल बेचने चली गई। भगवान कभी निर्गुण नहीं होते, भगवान सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। अखिल हेय प्रत्यनीक, भगवान समस्त निंदित गुणों से रहित है। अखिल हेय प्रत्यनीक, हेय माने निंदनीय, जो गुण है उसके प्रत्यनीक हैं, प्रत्यनीक माने विरोधी है। और कल्याण गुणैकतान, कल्याण गुण माने जो दिव्यतम गुण हैं,
उन दिव्यतम गुणों के भगवान ऐकतान आश्रयभूत हैं। भगवान को गुण की अपेक्षा नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि भगवान गुणवान बनते हैं, ये तो हम आप बनते हैं। इस दुनिया में आके कुछ सीखते हैं तो गुणवान हो जाते हैं। गाड़ी चलाना आ गया तो गाड़ी चलाने का गुण आ गया तो हम ड्राइवर हो गए, पढ़ाने का गुण आ गया तो मास्टर हो गए। ये सब गुण हम लोग सीखते हैं, ये सब गुण हमारे अंदर आता है। हम गुणों को बुलाते हैं तब हम गुणवान होते हैं। लेकिन भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं, कल्याणैकतान जो भगवान हैं, वो भगवान के अंदर वे दिव्य गुण भगवान के बुलाने पर नहीं आते। वो स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान के सन्निकट जाकर इनका आश्रय लेकर के मैं सार्थक हो जाऊं। भगवान को गुणों की अपेक्षा नहीं होती, गुण को भगवान की अपेक्षा होती। भगवान को गुणों की अपेक्षा नहीं है, गुण भगवान की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए भागवत जी में देखो, जब समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंतीं दिशक्कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और कमला अपने कर कमल में कमल पुष्पों की माला लेकर के अपने प्रियतम को कमलाकांत को ढूंढने के लिए जब चल पड़ी, सभी देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, लेकिन उनके गुणों को देखने के बाद भी कमला ने उन देवताओं का वरण नहीं किया। और वरण किसका किया? भगवान श्रीनिवास का वरण किया। और वो भगवान कैसे? वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मी जी कमल पुष्प की माला लेकर के चली तो भगवान दूर जा करके एक पेड़ के नीचे बैठे, और बाकी देवता, बोले बाकी देवता तो क्यू में खड़े थे, लाइन लगाए थे कि शायद हमारा नंबर लग जाए और लक्ष्मी हम ही को ही माला पहना दे, हमारा ही वर्ण हो जाए। तो सब लाइन लगा करके खड़े थे, लेकिन भगवान तो सब लाइन से परे थे, दूर जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठे। लक्ष्मी जी ने देखा, अरे यही वरण करने के योग्य हैं। और लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जाकर के वरमाला डाली, क्या समझ करके? वेदव्यास जी कहते हैं कि बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम। बब्रे, भगवान का वरण किया, बब्रे वरम, वरम श्रेष्ठम परमात्मानम, ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा का वरण किया लक्ष्मी ने। कैसे हैं वो भगवान? बोले सर्वगुणैरपेक्षितम, सारे गुणों के द्वारा जो अपेक्षित हैं, अर्थात सारे गुण जिनकी अपेक्षा करते हैं। भगवान गुण की अपेक्षा नहीं करते, गुण भगवान में जाकर के सार्थक होते। तो गुणवान का मतलब ही भगवान होता। अगर कहीं भगवत चर्चा हो तो वहां पर भगवान शब्द के साथ गुणवान शब्द का प्रयोग किया जाए तो भगवान और गुणवान मानो समानार्थक हो जाएंगे। क्यों? बोले भगवान का मतलब ही गुणवान। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। क्यों? बोले भगवान का मतलब ही गुणवान है, सगुण। और भगवान को जो लोग निर्गुण और निराकार मानते हैं, तर्क करते हैं, तर्क देते हैं, उनकी बुद्धि जाने वो जाने, लेकिन हमारे आचार्य तो यही कहते हैं कि भगवान सदा नित्य सगुण साकार हैं और अनंत कल्याण गुणगण निलय हैं। अनंत जब अनंत हैं तो उनके गुण भी अनंत हैं। और कितने गुण? बोले उनकी कोई सीमा नहीं महाराज, अनंत गुण। सौशील्यवात्सल्यमार्दव आर्जव सौहार्द्य साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता वशी वदान्यादि। अनंत अनंत गुण भगवान में विद्यमान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा कि इस समय
कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, संपूर्ण लोकों में इस समय वो गुणवान पुरुष कौन है, किस रूप में है, उनको मैं जानना चाहता हूं। और फिर भगवान के और भी अनेक गुणों की चर्चा की। चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः, जो चरित्र संपन्न है, सर्वभूतेषु को हितः, समस्त भूतों के जो हितैषी हों, सर्वभूतेषु को हितः, और आत्मवान को जितक क्रोधो, द्युतमान कोन सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोसस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत तो होते हैं, ऐसा वो पुरुष कौन है उसे मैं जानना चाहता हूं। वो परम तत्व परमात्मा किस रूप में विद्यमान है, मानो सीधा सीधा यही प्रश्न किया महर्षि वाल्मीकि। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। इस प्रश्न में एक विशेषता है, प्रश्न कितना कठिन है ये किसे पता चलता है? बोले, प्रश्न करने वाले को नहीं पता चलता, उत्तर देने वाले को पता चलता। उत्तर देना, वो प्रश्न कितना कठिन है ये तो उत्तर देने वाला ही समझ सकता है। नारद जी ने प्रश्न तो कर दिया, ओ देव ब्रह्मा, ओ वाल्मीकि जी ने प्रश्न तो कर दिया, लेकिन उत्तर किसको देना? बोले, देवर्षि नारद को देना है। देवर्षि नारद ने कहा, भाई बड़ा कठिन प्रश्न तुमने किया, ये साधारण प्रश्न नहीं, ऐसा प्रश्न कोई ऐरा गहरा नहीं कर सकता, और ऐसे प्रश्न का उत्तर भी कोई ऐरा गहरा नहीं दे सकता। नारद जी कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव, ये जो दुर्लभ गुण, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों की तुमने चर्चा की है ये बड़े दुर्लभ हैं, ये किसी साधारण प्राणी में ये सारे गुण नहीं हो सकते, ये दुर्लभ गुण जिस पुरुष में विद्यमान है वो पुरुष कौन है? और ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिवर, इस समय अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो श्री राम हैं, वही इन गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के अयोध्या की प्रजा का किंवा संपूर्ण पृथ्वी का जो पालन कर रहे हैं, भगवान श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, अयोध्यानाथ तो कहलाते हैं, लेकिन वो केवल अयोध्यानाथ नहीं है, वो जगन्नाथ है, सारे जगत के नाथ है, क्योंकि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट होते, संपूर्ण पृथ्वी के राजा उनके अधीन होते थे, संपूर्ण जगत के नाथ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इसीलिए कहते हैं नारद जी कि राम जी से कोई अपरिचित नहीं है, इनका नाम सारी दुनिया में व्यक्ति प्रसिद्ध है। क्यों? बोले, साधारण राजा को कितने लोग जानते हैं, साधारण राजा को केवल उसके राज्य के लोग जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके अगल बगल के लोग जाने। अभी आपको बता दें, इसी भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? 25 राज्य हैं, 30 कितने? 29 राज्य। और किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, वहां का कौन राजा है, सबको नहीं मालूम है। जो मुख्य मुख्य राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री का तो नाम लोगों को मालूम होगा, लेकिन भारत के ही किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है और कौन वहां का राजा है, यही लोगों को नहीं मालूम, आप सोचो। लेकिन जो संपूर्ण पृथ्वी का मालिक हो उसको तो संपूर्ण पृथ्वी के लोग जानेंगे,
इसीलिए नारद जी कहते रामो नाम जनई श्रुतः, ये राम नाम अयोध्या के राजा हैं, वे अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के भी धर्म के रक्षक हैं। भगवान स्वयं धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, और भगवान स्वयं धर्म की आत्मा है और भगवान धर्म स्वरूप है, भगवान धर्म के कर्ता भी हैं और भगवान धर्म के रक्षक भी हैं। इसीलिए कहा गया राम जी के नाम का उच्चारण करते हुए वेदव्यास जी विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं कि रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। भगवान धर्म है, धर्म विदुत्तम है, धर्मवित है, धर्मवेत्ता है, धर्मकर्ता है, धर्मरक्षक। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं। और ये बात इसलिए भी अधिक प्रामाणिक हो जाती है कि इस बात को मारीच ने कहा है? ये वाक्य जो हम लोग बोलते हैं रामो विग्रहवान धर्म, ये किसने कहा है बार रामायण में? बोले मारीच ने कहा। इसकी बात ज्यादा प्रमाण होती है क्या? अरे बोले वो तो राक्षस है। बोले राक्षस की बात इतनी प्रमाण? बोले राक्षस तो है लेकिन राम जी का शत्रु है, और शत्रु जब अपने शत्रु का गुणानुवाद करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये गुण यथार्थ है। मित्र तो झूठी भी प्रशंसा करते हैं लेकिन शत्रु कभी झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। शत्रु तो सत्य को भी नहीं स्वीकार करता, सत्य को भी झुठलाना चाहता, लेकिन जब शत्रु भी तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर ले तुम्हारे गुण को, इसका मतलब वो गुण निश्चित रूप से। और मारीच जैसे व्यक्ति ने रावण से कहा, जब रावण ने कहा कि मुझे सीता हरण करना है, तुम माया मृग बन जाओ, मैं जानकी का हरण करूंगा, तो मारीच ने कहा लंकेश तुम जीत नहीं पाओगे, राम को तुम नहीं जानते हो। राम कौन है? रावण ने कहा जानता हूं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और असमर्थ हैं, दीनहीन हैं, उनको राज्य से निकाल दिया गया है, बन बन भटक रहे हैं। मारीच ने कहा यह तुम्हारा भ्रम है, वो निकाले नहीं गए हैं, वो धर्म का पालन करते हुए वन में आए हैं और वो साक्षात धर्म रूप हैं, रामो विग्रहवान धर्म, वो धर्म के विग्रह हैं। तो जब शत्रु प्रशंसा कर दे इसका मतलब वो बात पक्की। तो भगवान अपने स्वजनों के धर्म की रक्षा करने वाले, स्वयं के धर्म की रक्षा करने वाले। इस प्रकार देवर्षि नारद ने राम जी का चरित्र 100 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि को सुनाया और फिर 100 श्लोक में संपूर्ण रामायण नारद जी ने सुना डाली। जन्म से लेकर भगवान के प्राकट्य से लेकर के राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण रामचरित्र को 100 श्लोकों में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को सुनाया। राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि रावण इत्यादि असुरों का वध करने के बाद रघुनंदन श्री राम जानकी जी को लेकर के अयोध्या में आए, राज्य की स्थापना हुई और राम राज्य इतना दिव्य कि राम राज्य में कहीं किसी को कोई दुख नहीं। न पुत्र मरणम केचित द्रक्षंत पुरुषा क्वचित, राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ा, राम जी के राज्य में कोई स्त्री कभी विधवा नहीं। नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः, राम जी के राज्य में नचाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः, राम जी के राज्य में कभी कोई पानी में डूब के नहीं मरा, राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। नचापि क्षुद्भयं तत्र, राम जी के राज्य में कभी किसी को भूख ने नहीं सताया, राम जी के राज्य में कभी चोर और डाकू का आतंक नहीं रहा, राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई रोग नहीं हुआ। नापि ज्वर कृतम तथा,
न किसी को कोई बीमारी हुई, न कोई हॉस्पिटल गया, न किसी को दवा खानी पड़ी, सब स्वस्थ रहते, सब ठीक रहते। ये राम जी के राज्य की इतनी बात को गोस्वामी जी एक ही चौपाई में कहते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी सिंहासन पर बैठे, त्रिलोकी आनंदमयी हो गई, सारे शोक समाप्त तो हो गए। ले महाराज आज भी राम जी सिंहासन पर बैठ जाए फिर ऐसे ही हो जाए? बोले अब प्रकट रूप से तो वो लीला तो फिर त्रेता युग में होगी, लेकिन इस राम राज्य को आप अपने जीवन में जरूर अनुभव कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले अपने हृदय के सिंहासन पर, अपनी आत्मसत्ता के साम्राज्य में राम को राजा बना लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम्हारी सत्ता क्या है? बोले तुम्हारी सत्ता तुम्हारे शरीर से है, ये शरीर ही तुम्हारा साम्राज्य है, यही तुम्हारी संपत्ति है। विचित्रा देह संपत्ति हस्तपादादि संयुता, हमारे आचार्य कहते हैं ये शरीर हस्तपादादि संयुता जो विचित्र संपत्ति है, ये साम्राज्य है, इसके तुम राजा हो और इसका तुम शासन कर रहे हो, उसका अपने अनुकूल उपभोग कर रहे हो, इसी का राजा राम जी को बना दो। अपने हृदय के सिंहासन पर अपनी सत्ता को राम जी को सौंप दो और आपके हृदय के अधिपति जब रघुनंदन हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, तो आपकी सत्ता में, आपके साम्राज्य में जो आपका ये साम्राज्य है, यह हर्षित हो जाएगा। हर्षित भय गए सब शोका, जीवन के सारे शोक दूर हो जाएंगे, यही राम राज्य की परिकल्पना। अपने जीवन में ही हम राम राज्य की स्थापना कर लें जो हमारे जीवन के संपूर्ण शोक को, मोह को, दुख को निवृत्त कर दे, और यही रामायण कथा का उद्देश्य है। इस रामचरित्र को जो सुनता है वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। इदं पवित्रं पापघ्नं, समस्त पापों का नाश कर देने वाला है। पुण्यं, ये पुण्यमय है, पवित्रमय है। और बोले वेदैश्च सम्मितं, वेदैश्च सम्मितं, इस पंक्ति का दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये है वेदैश्च सम्मितं, चारों वेदों के द्वारा सम्मत है। सम्मत माने समर्थित है, अनुप्राणित है, अर्थात वेदानुकूल है, वेद के विपरीत कुछ नहीं है। कौन सी? बोले रामायण। पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, और दूसरा अर्थ है बोले वेदैश्च सम्मितम, वेद के समान है। रामायण और वेद में कोई अंतर नहीं है। एक अर्थ तो यह है कि रामायण वेद सम्मत है, वेदानुकूल है, वेदानुमोदित है, वेदानुप्राणित है, और दूसरा अर्थ बोले दूसरा अर्थ है वेद समतुल्य है, वेद के समान ही, वेद से थोड़ा भी न्यून नहीं है रामायण। बोले इसको कैसे समझें? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जो परब्रह्म परमात्मा भूमा पुरुष हैं, जिनको वेदों ने भूमा पुरुष कहा, भूमा नाम की एक विद्या भी है उपनिषद में, भूमा विद्या, जिस भूमा विद्या के अनुष्ठान से भूमा पुरुष की प्राप्ति होती, वो भूमा पुरुष कौन है? बोले वैकुंठनाथ, त्रिपाद विभूति के अधिनायक भगवान। और अयोध्या में प्रकट होने वाले भगवान रघुनंदन श्री राम, अब उन भूमा पुरुष में और राम जी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जो भूमा पुरुष है वही राम है, वही कृष्ण है, वही तत्व है, कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से अंतर क्यों नहीं है? बोले अंतर इसलिए नहीं है कि वही भूमा पुरुष राम के रूप में अवतरित हुए,
वही भूमा पुरुष वैकुंठनाथ कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, वही जगन्नाथ के रूप में, दारु विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है, लकड़ी बन करके भगवान बैठे ब्रह्म काष्ठ। बोले भगवान लकड़ी क्यों बन गए? हमारे अभी कटकी के स्वामी जी महाराज ने बताया ना कि बड़ा कलह झेलना पड़ता है भगवान को भी, इनके घर में भी कलह होता है, और कलह माने झगड़ा लड़ाई, और लक्ष्मी जी से तो भगवान का कलह होता ही रहता है। हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय के जो प्रसिद्ध दिव्य देश हैं, उन दिव्य देशों में जब ब्रह्मोत्सव होता है तो ब्रह्मोत्सव में प्रणय लीला, प्रणय कलह लीला होती है, भगवान की सवारी निकलती है, भगवान रथ पे बैठते हैं और चलते हैं, उस दिन भगवान अकेले जाते हैं कि सूख करके लकड़ी हो गई। हमारे भक्तजन कहते हैं कि भगवान के घर में कितना कलह है, अरे हमारे आपके घर में जैसे कलह होता है, कभी बेटा बदमाशी करे तो पिता सिर पीटता है, कभी पत्नी के कारण परेशानी, कभी भाई के कारण, कभी किसी के कारण, मुखिया को तो सब झेलना ही पड़ता है। तो भगवान के परिवार में भी बड़ी जबरदस्त कलह है। बोले क्या कलह है? आचार्य कहते हैं कि एका भार्या प्रकृति मुखरा, भगवान की एक पत्नी है जिसका नाम है सरस्वती, ये बड़ी मुखरा है, बहुत बोलती है, दिन भर बोलती रहती है, और जिसकी पत्नी बहुत बोलने वाली हो उससे पूछो कि उसको कितना सिरदर्द होता है, बोलती रहे महाराज दिन भर, बंद ही ना हो। तो भगवान की तो एक पत्नी ऐसी ही, एका भार्या प्रकृति मुखरा, और दूसरी पत्नी बोले चंचला च द्वितीया, वो चंचला है, उनका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। चंचला माने चलायमान, जो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, स्थिर नहीं रहती, जो वस्तु हमेशा चलती रहे, स्थिर न रहे, उसको कहते हैं चंचल, उसी को कहते हैं जंगम, गम गम जगम जंगम, उसी तरह चल चल चचल चंचल, ऐसा शब्द बनता है व्याकरण में। तो चंचल का मतलब चलायमान, एक पत्नी जो है प्रकृति मुखरा, बहुत बोलने वाली, और दूसरी बोले चंचला, वो स्थिर नहीं रहती। अब कोई पुरुष विवाह करे, दो विवाह करे, और एक पत्नी दिन भर बड़बड़ाती रहे और एक हमेशा घूमने फिरने में ही मस्त रहे, चंचला हो, उस पति को क्या सुख होगा? तो एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया, पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः। और भगवान का एक बेटा, ऐसे तो भगवान के बहुत बेटे हैं, लेकिन एक बेटा जो क्या नाम, बोले प्रद्युम्न, वो कौन है? बोले कामदेव है। बोले उस काम की सब निंदा करते हैं, और जिस बाप के बेटे की सारी दुनिया निंदा करे उस बाप को कितना सुख होगा? सोचो, आपके बेटे को सारी दुनिया कोसे, बड़ा नालायक है, बड़ा बेकार है, ऐसा है वैसा है, तो क्या आपको सुख होगा? तो भगवान का पुत्र जो मनमत है, दुर्निवार, उसकी सारी दुनिया निंदा करती, बड़े बड़े ऋषि मुनि उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते। और शेषशय्या भुवन मुदधि, भगवान का बिस्तर क्या है? बोले सांप, शेष की सैया पर शयन करते। वाहनम पन्नगारी ही, भगवान का वाहन कौन है? बोले गरुण। गरुण और सांप की लड़ाई, अगर मौका मिल जाए तो गरुण जी कब शेषनाग के ऊपर धावा बोल दें कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि गरुण जी का तो सर्प आहार है। नमः पन्नगनद्धाय वैकुंठ वसवर्तिने, ऐसे गरुण जी महाराज। ये कलह, तो ये घर का जो कलह है भगवान के घर में, एक आभार या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया पुत्रुष है, बातें कही। उसी प्रकार से वेद ने ही रामायण के रूप में अवतार लिया, इसीलिए रामायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है, बात बस इतनी है, यही कहने के लिए इतनी बात कहनी पड़ी। वेदैश्च सम्मितम,
सर्ववेदैश्च सम्मितम्, समस्त वेदों से सम्मित ये रामायण है, अर्थात समकक्ष है, उसी के समान है, किं वा वेद ही रामायण है। रामायण में वेद में कोई अंतर नहीं, वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। भगवान ने अवतार लिया तो वेदों ने भी अवतार ले लिया रामायण के रूप में, और ये रामायण काव्य वेदावतार है। अब अंतर जरूर है, क्यों? बोले अवतार और अवतारी में तत्वतः अंतर नहीं होता, लेकिन व्यवहारतः अंतर होता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, तत्वतः अंतर नहीं होता लेकिन व्यवहार में अंतर होता है। अवतार लेने पर भगवान में कोई अंतर नहीं आया, जो भगवान वैकुंठनाथ है वही राम जी हैं, लेकिन व्यवहार में अंतर आ गया। वैकुंठनाथ को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन इनको अब सब देख लेंगे। वैकुंठनाथ को कोई छू नहीं सकता था, इनको सब छुएंगे। वैकुंठनाथ के चरणों तक पहुंचने में ब्रह्मादिक देवताओं का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अब बोले अब इनके चरणों के पास कीट पतंग भी आकर के बैठ जाएंगे। ये सुलभता हो गई, ये व्यवहार में अंतर आ गया, तत्व में अंतर नहीं हुआ। उसी प्रकार वेद ने जब रामायण के रूप में अवतार लिया तो वेद में जो तत्व है उस तत्व में और रामायण में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन व्यवहार में अंतर जरूर आया। बोले क्या अंतर आया? बोले जब तक वेद वेद रूप में थे तब तक वो सबके लिए ग्राह्य नहीं थे, सब वेद नहीं पढ़ सकता था, सबको वेद पढ़ने का नियम नहीं था, सब वेदों के सन्निकट नहीं जा सकते, लेकिन वही वेद चारों वेद जब रामायण के रूप में हो गए तो सबके लिए सुलभ हो गए। जैसे भगवान अवतरित होकर के सबके लिए सुलभ बन गए, उसी प्रकार अनंत ज्ञान राशि जो वेद है वही रामायण के रूप में सबके लिए सुलभ हो गए। अब सबके लिए सुलभ हो गए इसमें प्रमाण क्या है? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वेद पढ़, रामायण पढ़ो। वेद सब नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन रामायण सबके लिए हो गए और सबका कल्याण रामायण के द्वारा संभव हो गया। नारद जी कहते हैं पठन द्विजो वाग् वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्ण के लोग, स्त्री पुरुष आबाल वनिता वृद्ध सब इसको पढ़ें और सबका कल्याण हो, ये सब के लिए सुलभ हो गया। तो वही चारों वेद रामायण के रूप में अवतरित हुए। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को संक्षेप में 100 श्लोकों में रामकथा सुनाई। देवर्षि नारद जी चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं, और वहां तमसा नदी के तट पर एक अद्भुत घटना घटित होती है। एक क्रौंच पक्षी का एक निषाद ने शिकार किया। उस कौंज पक्षी को जब बाण लगा तो उस दुख को, उसकी पीड़ा को देखकर महर्षि के हृदय में दया समुच्छलित हो गई, वाल्मीकि जी के हृदय में, और वाल्मीकि जी के मुख से उस निषाद के लिए शाप निकला, और वही साप वही शोक श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के आ गया। और वो श्लोक कौन सा है, विशेष चर्चा कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं, 7:30 बज गए हैं। 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी, प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक, 7:30 तक। आज 7:30 हो गए। आज स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं है, पहला दिन है, सबकी व्यस्तता रही, सब समय से कोई आगे पहुंचा कोई पीछे पहुंचा, और फिर सब कुछ करते कराते पूरा दिन बीता। तो कल से संपूर्ण कार्य क्रमबद्ध समयबद्ध होकर के चलेगा। तो कल पुनः हम लोग यहीं पर 4 बजे मिलते हैं, आगे की चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए। तो आइए अब भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती।
बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीता राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्री विमला देवी की जय। पुरुषोत्तम पुरी की जय। जय सीताराम। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी। शीत पे कृष्ण मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन सोहे सोहे लखन सिवा बनिहारी की। आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी। कपोलन पे अलके 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 हसन पे बिजली सी चमके चमके रेत कजराले की। आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी। धन्य सरयू निर्मल मीरा भरत ऋतु महावीरा चरण सेवा अनुदारी की। आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी। श्यामलता जोड़ी भजोर बन सब माया जोड़ी तरस हित युगल बिहारी। आरती अवध बिहारी आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी। जनक दुलारी लखन सिय जनक दुलारी। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिककरणम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम्।
यत्नेन यत्नमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय उद्यानाथ भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय श्री मज्जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय 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 सीताराम।